दोस्तों अगर आप भी कुलदीप यादव, जडेजा, बुमराह और पंत को अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत की टीम ने अपने 10 विकेट 46 रन पर गवाए, पूरी दुनिया में कटी नाक। लेकिन फिर न्यूजीलैंड की टीम जब बल्लेबाजी पर उतरी तो कुलदीप यादव और जडेजा ने 15 मिनट के भीतर चटका दिए 7 विकेट लगातार। ऋषभ पंत के भी लग गई चोट, लेकिन आउट करने से नहीं रहे पीछे। बुमराह ने भी किया चमत्कार, जिसको देखकर पूरी दुनिया रह गई हैरान। तो दोस्तों आखिर भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की रोमांचक हाईलाइट आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव में से कौन अच्छा गेंदबाज है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मैच आखिरकार दूसरे दिन भारत के कप्तान रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ शुरू हुआ। वहीं हम आपको बता दें कि पहले दिन तो कोई मुकाबला नहीं खेला गया था, क्योंकि बारिश ने इस मैदान पर दखल डाल दी थी और मैच को पूरे दिन के लिए रद्द कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों आज दूसरे दिन का मैच भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ जब शुरू हुआ तो यहां ओवरकास्ट कंडीशन होने की वजह से कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब दोस्तों ये बल्लेबाजी का फैसला हर किसी को यही लग रहा था कि बिल्कुल सही है और टीम इंडिया न्यूजीलैंड को कोई मौका नहीं देगी इस मैदान पर जीतने का। लेकिन दोस्तों शायद हम सभी गलत थे। भारत की टीम ने अपने 46 रन के कुल स्कोर पर 10 विकेट गंवाकर इतिहास का सबसे कम स्कोर टेस्ट क्रिकेट में भारत के मैदान पर बनाया। जी हां दोस्तों, यहां पर टीम इंडिया का एक भी बल्लेबाज वापसी भारतीय टीम को करवा नहीं पाया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि टीम इंडिया के 5 बल्लेबाज इतिहास में 0 रन पर ही आउट हुए। जी हां दोस्तों, अच्छा तो ये हुआ था कि अंत में जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो हमारी भारत की टीम के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के 15 मिनट में ही 8 विकेट गिराकर मैच में वापसी करवाई। दरअसल दोस्तों आपको हम बताते हुए चलें कि हुआ ये था कि भारत की तरफ से जब यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे तो यहाँ पर दोस्तों दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद लग रही थी एक अच्छी साझेदारी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ 9 रन की साझेदारी भी हो चुकी थी, वो भी 5 ओवर के भीतर। और जब 7वां ओवर करवाने के लिए टीम सऊदी उतरे तो उन्होंने रोहित शर्मा को पूरी तरह सेटअप किया और अंदर आती हुई गेंद पर बोल्ड आउट कर दिया, जहां रोहित शर्मा 16 गेंदों में मात्र 2 रन बनाकर आउट हुए। अब पहला बड़ा विकेट गिर जाने के बाद भारत की टीम पर दबाव तो था, लेकिन दोस्तों विराट कोहली अब यशस्वी जायसवाल का साथ निभाने के लिए आए तो लगने लगा कि दोनों बल्लेबाज मिलकर यहां से पारी को संभाल लेंगे। लेकिन दोस्तों विराट कोहली को न्यूजीलैंड के नए गेंदबाज विलो रोकू ने अपने जाल में फंसा लिया और ग्लेन फिलिप्स के हाथों शानदार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ कैच करवाया, जहां विराट कोहली 9 गेंदों में बिना अपना खाता खोले ही आउट हो गए। अब टीम इंडिया के 9 रन के कुल स्कोर पर 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा ने सरफराज खान को भेजा, लेकिन दोस्तों सरफराज खान भी इस मैदान पर 3 गेंदों का सामना करते हुए 0 रन पर आउट हो गए और 10 रन का स्कोर बन पाया था और भारत ने 3 बड़े विकेट अपने गवा दिए। अब यशस्वी जायसवाल एक छोर से टिककर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनका साथ कोई बल्लेबाज निभा नहीं पा रहा था। यहाँ फिर बारिश ने दस्तक दे दी, जहां ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल को वापस डगआउट लौटना पड़ा। लेकिन दोस्तों बारिश के बाद जैसे ही यशस्वी जायसवाल और पंत बल्लेबाजी आगे कंटिन्यू करने के लिए उतरे तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के रूप में भारत की टीम को 4th झटका भी लग गया, जहां विलो रोको ने यशस्वी जायसवाल को 13 रन पर चलता किया। अब दोस्तों 4 बड़े विकेट 31 रन के कुल स्कोर पर भारत की टीम के गिर जाने के बाद ऐसा लगने लगा कि टीम इंडिया 50 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी, और ऐसा ही होता हुआ नजर आया, जहां केएल राहुल बिना खाता खोले 6 गेंदों में 0 रन पर आउट हुए तो रविंद्र जडेजा भी ज्यादा कुछ खास अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाए और वो भी 6 गेंदों में अपना खाता खोले बिना ही डगआउट की तरफ लौटे। तो वहीं चाय ब्रेक के बाद जब रविचंद्रन अश्विन बल्लेबाजी पर उतरे तो दोस्तों यहां पर अश्विन का विकेट भी पहली गेंद पर मैट हेनरी ने चटका दिया और यहां भारत की टीम ने अपने 7 बड़े विकेट 34 रन के कुल स्कोर पर ही खो दिए थे। हालांकि दोस्तों एक तरफ ऋषभ
पंत का बल्ला चलता चला जा रहा था और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन दोस्तों आखिरकार कोई बल्लेबाज कब तक अपने आप को काबू कर सकता है अगर सामने कोई उनका साथ ना दे तो। यहाँ पर ऋषभ पंत पर दबाव बढ़ता चला गया और ऋषभ पंत बड़ा शॉट खेलने के लिए गए और टॉम लैथम के हाथों में कैच थमा बैठे। जब पंत के रूप में भारत को आठवां झटका लगा और वो 20 रन की पारी उनकी यहीं समाप्त हुई। अब दोस्तों टीम इंडिया के 8 विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी के लिए कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह उतरे। हालांकि दोस्तों इस दौरान कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह पूरी कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके स्कोर को कम से कम 100 रन के पार तो लेकर जाएं। लेकिन दोस्तों कुलदीप यादव 2 रन तो बुमराह 1 रन बनाकर आउट हुए और अंत में मोहम्मद सिराज ने 4 रन की पारी खेली और जिसके चलते भारत की टीम ने अपने 10 विकेट गंवाकर इस मैदान पर मात्र 46 रन बटोर पाए और टीम इंडिया ने पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड के आगे 47 रन का कुल स्कोर रखा था। अब दोस्तों न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा 5 विकेट मैट हेनरी के नाम रहे तो वहीं 4 विकेट विल और रोकू को मिले तो वहीं टीम सऊदी को एक बड़ी सफलता मिली। अब दोस्तों यहाँ न्यूजीलैंड की ऐसी गेंदबाजी देखकर ऐसा तो अंदाजा लग चुका था कि भारत के गेंदबाज भी शांति से नहीं बैठेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शायद हम सब गलत थे क्योंकि जब टॉम लैथम और डेवॉन कॉनवे मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर परीक्षा ली। इस बीच रोहित शर्मा का ना जाने दिमाग काम करना ही बंद हो गया। वो यही सोच रहे थे बार बार कि कौन से ओवर किस खिलाड़ी से करवाऊं क्योंकि दोस्तों दबाव बन चुका था, ये हम सभी जानते थे। लेकिन अगर कप्तान ही संयम से काम नहीं लेगा तो यहाँ मैच फंसना तो जरूरी था। अब यहाँ टॉम लैथम और डेवॉन कॉनवे ने पहले विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी कर डाली। इस दौरान विराट कोहली के कहने पर कुलदीप यादव को रोहित शर्मा लेकर आए और दोस्तों रोहित शर्मा जैसे ही कुलदीप यादव को लाए उन्होंने पहली ही गेंद पर टॉम लैथम के रूप में न्यूजीलैंड की टीम को पहला बड़ा झटका दिया। जी हाँ दोस्तों यहाँ कुलदीप यादव की बाहर जाती हुई गेंद पर टॉम लैथम अंदर की तरफ शॉट लगाने के लिए चले गए और गेंद पूरी तरह से स्पिन हो गई, गेंद उनके पैर से टकरा गई जिसके चलते यहाँ टॉम लैथम के रूप में न्यूजीलैंड की टीम को पहला झटका लगा और 39 गेंदों में 3 चौकों की बदौलत वो 15 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों टॉम लैथम का विकेट गिर जाने के बाद मैदान पर उतरे विल यंग, जहाँ डेवॉन कॉनवे और विल यंग के बीच अच्छी साझेदारी की उम्मीद पूरा भारत देश कर रहा था। लेकिन दोस्तों इस दौरान डेवॉन कॉनवे ने अपनी टीम न्यूजीलैंड के लिए अर्धशतक जड़ा और 50 रन जड़ देने के बाद डेवॉन कॉनवे का साथ निभाने वाले विल यंग भी नहीं रुके। यहाँ पर कुलदीप यादव ने थोड़े चांसेस तो बनाए उनको आउट करने के, लेकिन दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और यहाँ पर कप्तान रोहित शर्मा ने विल यंग का कैच भी छोड़ दिया था जिसके चलते मैच पूरी तरह से भारत के नसीब में लगी नहीं रहा था। लेकिन दोस्तों अब आखिरकार जाकर कुलदीप यादव ने विल यंग का कैच लेकर दूसरा बड़ा झटका न्यूजीलैंड की टीम को दिया और दोस्तों ये साझेदारी बड़े लंबे इंतजार के बाद समाप्त हुई, जहां 142 रन का कुल स्कोर बन चुका था और 2 विकेट न्यूजीलैंड की टीम के गिरे थे। अब दोस्तों यहां जडेजा को इस सफलता के मिल जाने के बाद डेवॉन कॉनवे का साथ निभाने के लिए मैदान पर रचिन रविंद्र उतरे, जहां दोस्तों दोनों बल्लेबाजों की यही कोशिश थी अब की अपनी टीम को 200 रन के पार लेकर जाएं। लेकिन दोस्तों अब यहां से मैच पूरी तरह पलटता हुआ नजर आने लग गया, जहां न्यूजीलैंड की टीम अब बिखरती हुई नजर आई और भारत के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, जडेजा जो कि इतनी देर से शांति से बैठे हुए थे अब वो अपनी चमत्कारी गेंदबाजी से न्यूजीलैंड की टीम को फंसाने लग गए और दोस्तों इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम के होश उड़ाकर भारतीय खिलाड़ियों ने रख दिए। बाकी दोस्तों भारत की टीम के भले 46 रन के कुल स्कोर पर 10 विकेट गिरे हैं लेकिन न्यूजीलैंड की टीम अभी भी हमसे इतनी आगे नहीं निकली है कि मैच को ना जीता जा सके। भारत की टीम अभी भी मैच जीतने की प्रबल दावेदार है। बाकी आप सभी यहाँ पर गेंदबाजों का तो शुक्रिया अदा करोगे ही और अब आप सभी की क्या राय है भारत की ऐसी शानदार गेंदबाजी को देख लेने के बाद और आप टीम इंडिया के गेंदबाजों को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।